चिल्लाने का मौका मिल जाए। प्लीज बैठ जाइए या तो कुछ और कुछ लोग इस और आ जाइए। प्लीज बैठ जाइए, जिसके पास स्टैंड है बैठ जाए, जिनके पास स्टैंड नहीं है मेरे नजदीक आ जाए, मिलाने का मौका मिल जाए। अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाइए या तो कुछ लोग इस और आ जाइए। प्लीज बैठ जाइए, जिसके पास स्टैंड है बैठ जाए। मंच पर उपस्थित, बैठ जाओ भैया बैठ जाओ। मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोज सिन्हा जी, जिन्हें सच्ची लगन से जम्मू कश्मीर में बदलाव लाने का प्रयास किया है, और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सफल प्रयास किया है, उनको बहुत बहुत सफलता मिल रही। मंत्रिपरिषद में मेरे साथी इसी सूबे के नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और आज के कार्यक्रम की रूह जिसको कह सकते हैं, ऐसे घाटी में बसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज यहां पर आया हूं 5 अगस्त 2019 को हमने एक फैसला किया था, वो फैसले के बाद पहली बार आया हूं, और मैं आपको बहुत भरोसे से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर और विशेषकर घाटी के अंदर विकास के नए युग की शुरुआत हुई है, इसकी अनुभूति तो आपको होती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं 2024 तक आपको इसका अंजाम ही बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। कश्मीर का चहुंमुखी विकास हो, यह मोदी जी की दिल की इच्छा है। विकास की बात करने ही मैं आया हूं, मगर मैं उसके पहले मेरे मन की बात भी थोड़ी कहना चाहता हूं। मुझे बहुत ताने सुनाए गए हैं, बहुत कोसा गया है, बहुत कड़े कड़े शब्दों में मेरी निंदा की गई है। मैं आज आपके साथ मन खोलकर बात करना चाहता हूं, इसीलिए ना बुलेट प्रूफ है ना कोई सिक्योरिटी है, मैं आपके सामने ऐसे ही खड़ा हूं। मित्रों, आज ही मैंने अखबार में देखा, फारूक साहब ने मुझे सलाह दी है कि भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करें। अब खैर, बड़े अनुभवी व्यक्ति है, मुख्यमंत्री रहे सूबे के, उनकी सलाह है, मगर मैं फारूक साहब को कहना चाहता हूं और आप सबको विशेष करना चाहता हूं, बात करनी है तो मैं मेरे घाटी के भाइयों और बहनों के साथ बात करूंगा, घाटी के युवाओं के साथ बात। मैं क्यों ना बात करूं आपसे, हम चाहते, बहन जी बैठ जाइए बैठ जाइए, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ बात करें। इसीलिए मैं जब युवाओं से बात कर रहा था, मैंने कहा था कि मैं घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूं, मेरा हाथ मैंने घाटी के युवाओं के साथ दोस्ती का लंबा दिया है, और मुझे भरोसा है कि हमारे नियत में कोई खोट नहीं, हमारे मन में कोई बुरा भाव नहीं है। घाटी का विकास, जम्मू का विकास और नए बने लद्दाख का विकास एकमात्र पाकीजा मकसद के साथ एक कदम उठाया गया है, और मैं आपको कहता हूं कि 2024 के पहले कश्मीर को जो चाहिए था वो आपकी नजर के सामने होगा। मित्रों, मोदी जी के दिल में कश्मीर ही बसता है। जब भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सारी योजनाएं ठीक से पहुंच रही या नहीं पहुंच रही। मैं और मनोज जी भी संयुक्त रूप से जब मिलते हैं, वो पूछते हैं कि सारी योजनाओं का लाभ भारत के बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में पहुंचता है नहीं पहुंचता है। मित्रों, आज मैं विकास की बात बाद में करूंगा, मगर एक विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, दिल में से खौफ निकाल दीजिए, डर निकाल दीजिए, कश्मीर की शांति और विकास की यात्रा को कोई खलल नहीं पहुंचा सकता। आप भारत सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, हम पर भरोसा कर सकते हैं।
और विकास यात्रा को खलल पहुंचाने वाले उनका मकसद साफ नहीं, उनकी नीयत भी साफ नहीं है। मुझे कहते हैं 5 अगस्त के बाद कर्फ्यू क्यों लगाया, इंटरनेट क्यों बंद करा, कश्मीर के युवाओं को गुमराह करते हैं। मैं आज इन सबको जवाब देना चाहता हूं। आप भी मेरे सामने बैठे हैं, ये कश्मीर की आवाम, कश्मीर की जनता इतना ही अधिकार रखती है जितना इस देश पर मेरा अधिकार है, उतना ही आपका अधिकार है। आप मुझे बताइए 5 अगस्त के बाद इंटरनेट बंद न करते, अगर कर्फ्यू न लगाते तो युवाओं की भावनाओं को भड़काकर जो स्थिति होती, इसमें कौन मरता, कौन मरता? कश्मीर का युवा मरता। हम नहीं चाहते थे कि कश्मीर के युवा पर किसी को गोली चलानी चाहिए, गोली चलानी पड़े। ये लोग समझे न समझे, ये 3 परिवारों ने यहां 70 साल तक शासन किया है, ये न समझे समझे, हम जरूर समझते हैं एक बूढ़े बाप पर युवा बेटे के जनाजे का बोझ कितना बड़ा होता है, ये हम समझते हैं। आपके शासन के अंदर 40,000 लोग घाटी के अंदर मारे गए, आज तक आतंकवाद और दहशतगर्दी की निंदा नहीं की है। बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ये मारा गया ठीक नहीं हुआ, मगर मारा उसने ठीक किया क्या, वो नहीं कहते हैं। मैं आपके सामने साफ करने आया हूं, उनको मारने की इजाजत हम नहीं देंगे, उनको शांति में खलल नहीं पहुंचाने देंगे, और यहां पर जो अमन और चैन है वो बरकरार रहेगा। मित्रों, बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि कर्फ्यू बंद है, इंटरनेट बंद है। बहुत लोगों ने सवाल उठाए कि धारा 370 जाने के बाद घाटी में कश्मीरियों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सारे तहसील पंचायत के मेंबरान बैठे हैं, जिला पंचायत के मेंबरान बैठे हैं, सरपंच साहब बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं। आप अपने अपने गांव में जाइए और पूछिए, भैया कितनी जमीन चली गई, 2 साल हो गए, कितनी जमीन चली गई। ये झूठ फैलाते हैं। अगर आए आपके गांव में आपको मिलने के लिए तो बताना कि मेरे गांव में तो जमीन नहीं गई भाई, आप कहते थे क्या हो गया, ये सच नहीं है। मित्रों, ये विकास को बांध कर रखना चाहते हैं, अपनी सत्ता को बचा कर रखना चाहते हैं, 70 साल से जो भ्रष्टाचार किया है उसको चालू रखना चाहते हैं। मनोज जी ने 20,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दे दी, चाहे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, या जम्मू कश्मीर प्रशासन हो, आज भी 6,000 लोगों को यहां से नौकरियां मिलने वाली। मैं आपको दावे से कहता हूं, ना एक भी सिफारिश हुई है, ना एक भी व्यक्ति को पैसा देना पड़ा है। ये जो जमाना था ना अपने आसपास वालों को नौकरी देने का, वो जमाना समाप्त हो गया है। जिसमें कहावत है, जिसमें मेरिट है, जिसके अंदर दम है, जो अपनी जवानी कश्मीर के विकास के लिए लगाना चाहता है, उसको नौकरियां मिल रही, मगर उनके पेट में दर्द हो रहा है कि हमारी सिफारिश के बगैर भला किसी को नौकरी मिले, हमारी सिफारिश के बगैर कोई क्लर्क बन जाए, कोई शिक्षक बन जाए, कोई कांस्टेबल बन जाए, ये कैसे हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं जनाब, अब ऐसे ही होने वाला है। अब ये 3 परिवारों का जो इस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार का शिकंजा कराया था, ये नहीं चलने वाला। मित्रों, मैं अभी ढेर सारे सूफी संतों को मिलकर आया हूं। सूफीजम मध्य एशिया और ईरान से कश्मीर के रास्ते से हिंदुस्तान में आया था। कश्मीर ने पूरे भारत को सूफीजम की भेंट दी है, और मैं आज इसीलिए लेट हो गया, मैं इनके साथ बैठकर आया हूं। मैं आपको बताता हूं
कि मैं एक आशा की ज्योति देखकर आया हूं। मेरे मन में बहुत आशा जगी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमेशा के लिए शांति हो सकती है, और इसीलिए मैं आज कश्मीर के युवा को भी अपील करने आया हूं, जिन्होंने आपके हाथ में पत्थर पकड़ाए थे, इन्होंने क्या भला किया? जिन्होंने आपके हाथ में हथियार पकड़ाए थे, उन्होंने क्या भला करा? ये पाकिस्तान की बात करते हैं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नदी की है, वहां पूछिए, गांव में बिजली आई है, अस्पताल है क्या, मेडिकल कॉलेज बन रहा है क्या, गांव में पीने का पानी आता है क्या, बहनों के लिए शौचालय बना है क्या? जरा तुलना तो कर दीजिए, कुछ नहीं हुआ है। और ये लोग पाकिस्तान की बात करें, मैं आपको कहने आया हूं कि भारत के अंदर इतना ही अधिकार आपका है जितना अधिकार भारत के किसी भी नागरिक का भारत पर है, विकास पर, भारत सरकार के खजाने पर आपका इतना ही अधिकार है जितना भारत के हर नागरिक का है। और ये भरोसे के साथ कश्मीर के लोगों ने विकास की ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। मित्रों, तीन परिवारों ने 70 साल शासन किया, सारे मेम्बरान बैठे हैं पंचायत के, सरपंच साहिब बैठे हैं यहां पर, तालुका पंचायत के मेंबर्स बैठे हैं, जिला पंचायत के बैठे हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष बैठे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हमें सवाल पूछते हैं उनको, 70 साल तक कश्मीर के युवाओं को पंच सरपंच बनने का, कश्मीर की माता और बहनों को तालुका पंचायत और जिला पंचायत में चुनाव लड़ने का अधिकार आपने क्यों नहीं दिया था? 70 साल तक 87 विधायक, 6 सांसद लेकर आप बैठे, वो भी आपके इर्द गिर्द के लोगों को बनाया, उनको डर लगता था कि आज सरपंच बना है कल तहसील पंचायत में जाएगा, तहसील पंचायत में गया है वो जिला पंचायत में जाएगा, जिला पंचायत में गया है वो उनकी सिफारिश के बगैर विधायक बनेगा, और जो विधायक बना है वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। अगर भला आप में से कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उनके परिवार का क्या होगा, मुझे बताइए। तो आज 30,000 लोग ये लोकतंत्र के माध्यम से कश्मीर के अंदर कश्मीर की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बने हैं, और मैं कश्मीर के युवाओं को कहना चाहता हूं कि आप इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़िए, जो सालों से रोक कर रखी थी वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाइए। आप भी विधायक बन सकते हो, आप भी लोकसभा के मेंबर बन सकते हो, आप भी भारत सरकार में मंत्री बन सकते हो, आप भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। 70 साल से इस लोकतंत्र को रोक कर बैठे थे, मोदी जी ने लोकतंत्र को गांव तक पहुंचा है, घर तक पहुंचा है। आज बेखौफ सबने वोट डाले, 98% 70% वोटिंग हुई, और सारे लोग आज अपना काम कर रहे हैं। आरक्षण का फायदा मेरे पहाड़ी भाइयों को कभी नहीं मिलता था, अब उनको मिलने लगेगा। मैं आपको पूछने आया हूं, 70 साल तक कश्मीर घाटी की हर माता के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा था? भाई सच बताना, पहुंचा था? जोर से बोलिए, पहुंचा था? मैं आपको कहता हूं, हमने प्रयास किया है हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचे, कोई छूट गया है तो टोल फ्री नंबर है प्रशासन का, फोन करिए, 24 घंटे में गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा। आज जम्मू कश्मीर के हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है, जम्मू कश्मीर के हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, बिजली पहुंच रही है। बच्चे को रात को ठंड में अगर अपने घर में बैठकर अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो कोई रोक टोक नहीं है, गरीब का बच्चा भी अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकता है। ये क्यों नहीं हुआ 70 साल तक? किसने रोका था? कैसे करते? एक साल में जो 6 महीना तो इंग्लैंड में चले जाते थे, जाते थे या नहीं जाते थे? जोर से बोलिए, जाते थे या नहीं जाते थे? मनोज जी, कल करवा चौथ थी, कल भी नहीं गए,
यहां 24 घंटे कश्मीर की आवाम की सेवा में लगे हैं। मैं आशा करता हूं कि कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भी ऐसा ही आए, जो लंदन न जाए, कश्मीर के अंदर अनंतनाग के अंदर जाकर कश्मीर की जनता की आवाज सुने। मित्रों, 55,000 गरीब लोगों को घर देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की, 55,000 गरीबों, इसमें से करीब करीब जम्मू और कश्मीर दोनों इलाके मिलाकर 20,000 से ज्यादा लोगों को घर मिल चुका है। आज तक कश्मीर के 55,000 परिवारों को रैन बसेरा नहीं था। मैं आपको वादा कर जाता हूं, 2022 के दिसंबर के पहले कश्मीर में घर बगैर का कोई नहीं होगा, हर एक के पास अपना घर होगा। कश्मीर के हर घर के अंदर शौचालय पहुंचाने का काम मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। आज माताओं बहनों के लिए कितनी बड़ी सुविधा है, स्वास्थ्य के लिए कितनी बड़ी सुविधा है, और शुरू किया है अब हर घर के अंदर नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत की। दो पूरे जिले, घाटी के दो पूरे जिले हर घर में नल पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है, और 11 जिले इस दिसंबर तक हम समाप्त कर देंगे, और 2022 दिसंबर तक कश्मीर के हर घर में नल से पानी पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मुझे बार बार सवाल पूछते हैं उनको पूछना चाहता हूं, आपने क्यों गैस नहीं पहुंचाया? भला जवाब दीजिए, कश्मीर की जनता को बिजली क्यों नहीं पहुंचाई? घर क्यों नहीं दिया? शौचालय क्यों नहीं दिया? हर घर में नल से शुद्ध पीने का पानी क्यों नहीं दिया? और आज मैं एक बात करने आया हूं जो मोदी जी की मन की बात है। पूरे देश भर में मोदी जी ने एक व्यवस्था करी है कि हर गरीब को 5,00,000 तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा भारत सरकार देगी, हर गरीब को। देश में 60 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। मगर जब जम्मू कश्मीर की बारी आई, उन्होंने कहा, मनोज भाई को कहा, मनोज भाई कश्मीर ने बहुत सहा है, बहुत गांव है कश्मीर, उनके लिए गरीब छोड़ दीजिए, हर कश्मीरी को 5,00,000 तक की सहाय देने का निर्णय करिए और सेहत योजना आए। आज सेहत योजना के तहत जम्मू हो या कश्मीर, हर कश्मीरी को 5,00,000 तक का पूरा खर्चा आज जम्मू कश्मीर प्रशासन उठा रही है। कोई गरीब बच्चे के बूढ़े बाप को भगवान न करे कैंसर की बीमारी हो जाए, दिल का दौरा पड़े, ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, वो असहाय नहीं है। पहले तो बाप ही कहता था, बेटा कितना लोन उठाएगा, मैं तो मरूंगा बाद में, तू लोन के बोझ से मर जाएगा, जो होगा भगवान करेगा, छोड़ दो। मगर आज उसको असहाय नहीं है, वो अपने बूढ़े बाप को लेकर अस्पताल में जाता है और नरेंद्र मोदी का दिया हुआ कार्ड यूं स्वैप करता है और अपने बाप की जान बचाता है। मित्रों, पूरे देश भर के अंदर ये योजना गरीबों के लिए है और मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये योजना हर कश्मीरी के लिए है। मैं पूछना चाहता हूं, फारूक साहब जरा हिसाब तो दीजिए, 70 साल तक एल कश्मीरियों के इलाज की व्यवस्था आपने क्यों नहीं करी? भला एक बार कश्मीर की जनता को आप बता दीजिए। महबूबा बहन, आप भी जरा एक बार बता दीजिए, इतना लंबा शासन रहा आपने क्यों नहीं करा? मित्रों, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हर व्यक्ति के घर में बैंक अकाउंट खोलने का काम मोदी जी ने समाप्त कर दिया। विधवा सहाय, वृद्ध सहाय, बच्चों के वजीफे, ये सारा कोई कमीशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई कमीशन देने की भी जरूरत नहीं है, सीधा एक बटन दबाते ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और आपके पॉकेट में आ जाता है। 12,00,000 किसानों को, जम्मू कश्मीर के 12,00,000 किसानों को मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं, हर साल 6,000 रुपया सहायता का उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। मित्रों, पहुंच जाता है। मैं आप लोगों के कहने, आप चिंता करिए, चिंतन करिए, सोचिए, ये अलग अलग बातों से आपको गुमराह करते हैं, ये सारी बातें पहले क्यों नहीं, जो ये 2 साल के अंदर हो गई,
पहले क्यों नहीं हुआ था? किसको हिसाब देना है बताइए? मुझे देना है क्या? मुझे देना है? भैया जिसको हिसाब देना है उसे मांगिए तो खरा, जरा पूछिए ये सब बातें अब बाद में करिए, पहले ये सब काम क्यों नहीं हुआ? मित्रों भ्रष्टाचार नाबूद हो गया है। मनोज जी ने बड़े भावुकता के साथ कहा, नीचे कहीं चलता होगा, परंतु इसको भी नाबूद करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाया जा रहा है। मैं अभी अभी कोरोना का प्रकोप आया, कोरोना के प्रकोप में पूरी दुनिया इसके सामने लड़ रही थी, मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी लड़ा, कश्मीर भी लड़ा, टीका ढूंढ लिया गया, टीका देने की शुरुआत हुई। मुझे एक बात बताओ भाई, सबसे पहले 100% वैक्सीनेशन, 100% टीकाकरण कौन से राज्य का हुआ मालूम है आपको? कौन से राज्य का हुआ? जोर से बोलिए, कौन से राज्य का? क्यों हुआ? क्योंकि मोदी जी मानते हैं जम्मू कश्मीर ने बहुत घाव झेले हैं, सबसे पहले कोरोना से सुरक्षित आज जम्मू कश्मीर को कर देना चाहिए मित्रों। और इसलिए जम्मू कश्मीर के हर युवा को, हर वृद्ध को, हर लोगों को जो लाए टीका देने के लिए, जिनका वय है, वो सभी को टीका देने का काम समाप्त हो गया है। दूसरे चरण का भी 50% काम हमने समाप्त कर दिया। मैं धड़ल्ले से विश्वास के साथ कहता हूं, जिसको एक टीका न मिला ऐसा कोई हो तो जरा हाथ खड़ा करिए। एक का दुक्का कोई छूट गया है? एक भी नहीं खड़ा हुआ, सबको मिल गया है। ये नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर के लिए लगाव का ये उदाहरण है, ये प्रमाण है, तभी जाकर ये होता है। पर्यटन, ये सारी बात करते थे, 40,000 लोग मारे गए, दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, हमेशा पाकिस्तान से बात करो, हुर्रियत से बात करो, लगाते रहे, क्या नतीजा हुआ? घाटी का पर्यटन समाप्त कर दिया था। मैं आपको बताता हूं, मार्च 21 के बीच में 1,31,000 पर्यटक देश के और विदेश के जम्मू कश्मीर के अंदर आए हैं, वो देश के आजाद होने के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। और जो शांति को खलल पहुंचाते, उनका मकसद क्या है? यहां उद्योग न लगे, यहां टूरिज्म न बढ़े, यहां का युवा बेरोजगार रहे, और बेरोजगार होकर उनके बताए रास्ते पर हाथ में पत्थर उठाता रहे। हम चाहते हैं वो हाथ में पत्थर न उठाएं, हाथ में पुस्तक उठाएं। हम चाहते हैं वो हाथ में पत्थर न उठाए, वो हाथ में कलम उठाए। हम चाहते हैं वो हाथ में हथियार न उठाए, वो हाथ में कलपुर्जे जोड़ने के साधन उठाए और अपने जीवन को बनाए। देश भर के अंदर जिस प्रकार का विकास का माहौल है, इससे भी ज्यादा विकास जम्मू कश्मीर का हो, इसलिए ढेर सारी योजनाओं को आज ही हम यहां से घोषित करने वाले हैं। बेमीना श्रीनगर में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल 115 करोड़ रुपए की लागत से पूरा होने का काम हो गया है, आप उसका फायदा उठा रहे हो। पैसा भी नहीं देना है, वहां जाकर वो कार्ड स्वैप कर देना और याद करना कि 70 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया था। मेडिकल कॉलेज कुपवाड़ा का, हंदवाड़ा का, आज ही मेडिकल कॉलेज यहां से ही उसका शिलान्यास हो रहा है। मित्रों इतने साल के अंदर इन तीन परिवारों के शासन रहा, 5 मेडिकल कॉलेज बनाए थे, 2 तो राजा साहब बनाकर गए थे, 3 इन्होंने बनाए। कितने बनाए जरा बोलो भाई, ठंड है मगर बोलना पड़ेगा, कितने बनाए? मोदी जी ने ये 2 साल के अंदर 7 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम पूरा कर दिया है। मनोज जी सुधार कर रहे थे, 3 ही बनाए, तो राजा साहब का 2 निकाल दो तो उन्होंने 1 ही बनाया। मगर मित्रों 500 युवा यहां से डॉक्टर बनते थे, 500, और फिर पाकिस्तान पढ़ने भेजते थे। मैं आपको कहने आया हूं, कोई बच्चे को पाकिस्तान पढ़ने भेजने की जरूरत नहीं है। अब
कश्मीर के अंदर 2000 युवा मेडिकल डॉक्टर बन सकते हैं, 2000 युवा। ये मोदी जी का शासन है। खिराम अनंतनाग के रास्ते, संगम से श्री गुफवाड़ तक सड़क का चौड़ीकरण 46 करोड़ के खर्चे से हो रहा है। नौगाम जलपुरा बांदीपुरा में नाला फिरोजपुरा पर 5x40 मीटर का स्पेन स्टील गर्डर का पुल का निर्माण 11 करोड़ की लागत से, 160 MVA बसों, 20x33 kV गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन लसीपुर पुलवामा में 76 करोड़ के लागत से, केंद्रीय पुस्तकालय इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, सड़कें और पुलों में पिछले वर्ष 2000 करोड़ की सड़क, इस बार 4000 करोड़ की सड़कें बनाने का काम भी आज ही हम शुरू कर रहे हैं। पीएम पैकेज रोजगार के तहत 841 कर्मचारी को आज नियुक्ति देने जा रहे हैं। पंचायत लेखा सहायक में 2000 लोगों को आज नियुक्ति देने जा रहे हैं। तेजस्विनी के तहत 2000 युवा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण योग्यता और स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल उनको कौशल प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है। वन अधिकार के पट्टे भी दिए जा रहे हैं। एक क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल की ट्रॉफी, रोलिंग ट्रॉफी शुरू की है, इसके लिए एलजी साहब ने 15 करोड़ रुपया लगाया। मेरा कश्मीर के युवाओं को एक निवेदन है, क्यों भारत की टीम के अंदर, क्रिकेट टीम के अंदर कश्मीर से कोई युवा न हो गई? कश्मीर के युवा में बहुत कुवत है। ये ट्रॉफी जो शुरू हो रही है, इसका उपयोग कर आप कश्मीर के युवाओं को इन खेलों से जोड़ने का काम करिए। आज मित्रों एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है शुरू, 75 सूफी धार्मिक स्थलों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को और इस्लामिक धार्मिक स्थलों को उन्नयन सरकारी खर्चे से कर यहां पर फिर से एक बार गंगा जमनी तहजीब की शुरुआत की जा रही है। परागमन आवास का निर्माण, एक हॉस्टल बन रही है ट्रांजिट आवास के लिए, और औद्योगिक विकास की भी मैं बात करना जरूर चाहूंगा मित्रों। औद्योगिक विकास के लिए अब तक 70 साल में इन तीन परिवारों का टोटल 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश आया था। मैं फिर से एक बार आपसे बुलवाना चाहता हूं, कितना निवेश आया था? 12 से 15 हजार करोड़। जोर से बोले कितना? बरोबर है। मोदी जी ने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स की रियायत वो पॉलिसी में दी है। और आज मैं आपको बताता हूं, 6 महीने ही हुए हैं, हम 12 हजार करोड़ रुपया क्रॉस कर गए हैं। 7 हजार करोड़ रुपया जम्मू में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 6 हजार करोड़ रुपया मेरी कश्मीर घाटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और आज ही 500 करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको जमीन देने का कार्यक्रम है। मित्रों आपको मैं कहकर जाता हूं, 2022 आते आते जम्मू कश्मीर के अंदर 50 हजार करोड़ से ज्यादा रुपये का इन्वेस्टमेंट जमीन पर आएगा और 5 लाख बच्चों को इसमें से रोजगारी मिलेगी। मित्रों 5 लाख बच्चों को, अरे आपके आंख के सामने होगा, आप देख पाओगे, क्योंकि कोई छुपाकर कुछ हो नहीं सकता। मित्रों इसके अलावे मैं थोड़ा पूछना चाहता हूं, ये 70 साल तक तीन परिवार ने शासन दिया, उन्होंने क्या दिया? मैंने आगे कहा 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मोदी जी ने क्या दिया? 30,000 चुने हुए नुमाइंदे दिए। पुलवामा में दहशतगर्दों का वो था, पुलवामा में 2000 करोड़ की लागत से एम्स बन रहा है। मित्रों एम्स बन रहा है पुलवामा में 2000 करोड़ की लागत से। मित्रों युवाओं के लिए कॉलेज बंद थे, पत्थरबाजी थी, आज लगभग 900 करोड़ की लागत से IIT, NIFT ये सारी चीजें आ रही हैं। और मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुरक्षा के संबंध में भी दहशतगर्दी पर बहुत बड़ा काबू बना लिया गया है। मित्रों यहां 2 एम्स आए हैं,
एक आईआईटी आई है, नीप्ट आया है, मेडिकल कॉलेज आए हैं, एक सोलार ग्रिड आई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में बना है, इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहे हैं, ढेर सारे विकास के काम आज आगे बढ़े हैं। और मुझे भरोसा है मित्रों, जम्मू कश्मीर देखते 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 ही, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर देखते 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 देश का सबसे विकसित सूबा बनने वाला है। मित्रों, सबसे विकसित सूबा बनने वाला है। मैं आज आप लोगों को कहने आया हूं, मोदी जी यहां पर विकास के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या? घाटी का युवा, कश्मीर का युवा मोदी जी के इस काम में साथ देने के लिए तैयार है? भाई मुझे बताओ, आप लोग मोदी जी के साथ जुड़कर विकास करने के लिए तैयार हो? पीछे से आवाज नहीं था, जोर से बोलो, तैयार हो? हम युवाओं को गुमराह नहीं होने देंगे, तैयार हो? उनके हाथ में पत्थर नहीं रहने देंगे, तैयार हो? मित्रों, यही जज्बा जम्मू कश्मीर का विकास करेगा। ना कोई सरकार कर सकती है, ना गवर्नर साहब कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूं। जम्मू कश्मीर का विकास, घाटी का विकास मेरी घाटी की आवाम और घाटी का युवा ही कर सकता है। मैं बड़े मन से आया हूं, मैं घाटी के लोगों के साथ मन खोलकर कहने आया हूं कि घाटी के अंदर नए युग की शुरुआत करने की समय आ गया है। दक्यानुसी बातों से बाहर निकली, ये गुमराह जो करते हैं उनको सवाल पूछिए, और उन्होंने क्या करा इसका हिसाब मांग लीजिए। बहुत हो गया, 40,000 लोग मारे गए हैं, चाहे सेना के हो, चाहे पुलिस के हो, चाहे दहशतगर्द हो, चाहे जनता के मारे गए, अवाम के मारे गए। 40,000 लोग युद्धों में नहीं मारे जाते हैं। अब हमें वापिस आना है या नहीं आना? जम्मू कश्मीर की जनता, घाटी की जनता तय कर ले, मोदी जी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ना है और जम्मू कश्मीर को देश का सबसे विकसित सूबा बनाना है। मित्रों, आप मेरे साथ तैयार है? जोर से बोलिए, तैयार है? तैयार है? तो मित्रों, मेरी बात तो अब समाप्त हुई, आपका काम अब शुरू हुआ और अभी उद्घाटन का कार्यक्रम बाकी है। आप थोड़ी देर जरूर बैठिए, सारे लोगों को, बच्चों को यहां से रोजगारी का पत्र दिया जाएगा और ई उद्घाटन भी करे जाएंगे, जो योजनाएं मैं बोली हूं इसका। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेषकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को और इसमें भी विशेषकर घाटी के युवाओं को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज आने वाला समय हम सबके लिए उज्जवल हो। भारत माता की जय। सब्सक्राइब मेल, प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।